तो गाइज अब मैं रेडी हो चुकी हूँ रील्स बनाने के लिए और देखती हूँ कैसा बना पाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे रील्स शूट किए हुए। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ क्योंकि मेरा खाना वाना बन चुका है। आप लोग ना बिल्कुल प्यार देना यार वीडियोस को, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक एक रील्स के पीछे, एक एक वीडियो के पीछे, और आप लोग ना बिना लाइक के चले जाते हो। हे गाइज गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग थोड़ा सा और दिन के कंपेरिजन में जल्दी उठे हैं, मतलब राशि आज थोड़ा सा जल्दी उठी है तो बोल रही पार्क ले चलो, तो मैं आज उसको पार्क लेके जा रही हूँ। थोड़ी बहुत सी क्लिप आपको दिखाऊंगी। ऐसे एक बात बताऊँ, अभी ना बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है तो सुबह से ठाक ठुक खर खुर होने लगता है तो नींद खुल जाती है। फिर हाँ, मैं बता रही थी कि मैं पार्क की थोड़ी बहुत क्लिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना वहाँ पर लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं वीडियोज सबकी शूट करने लगूंगी तो, क्योंकि इतना अच्छा वहाँ पर माहौल होता है ना। कुछ लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे स्केटिंग करते हैं, खेलते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, मतलब आंटी लोग भी वॉकिंग रनिंग सब करती हैं यार। मेरा तो मतलब दिल खुश हो जाता है देख करके। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर सकती कि हाँ इस एज में ऐसा करती हूँ, इस एज में ऐसा करती हूँ, नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी फीमेल आगे बढ़ती है या कोई भी अपने पर ध्यान देती है। तो चलिए वहाँ की कुछ क्लिप्स बस आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद घर आकर के फटाफट से नहा वहा करके नाश्ता करके मुझे रेडी होना है, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि एक दो रील्स शूट करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई रील्स नहीं वैसा बनाया है। तो चलिए अब फटाफट से करते हैं दिन को स्टार्ट। लोग इतने अच्छे से योगा करते हैं ना कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी करूं। गाइस अब मैं नहा करके आ चुकी हूँ और मैंने नाश्ता भी प्रिपेयर कर लिया है, तो फटाफट से चलती हूँ अब नाश्ता करती हूँ। उसके बाद में मुझे बनाना है पालक पनीर, लंच के लिए बनाऊंगी और उसके साथ में कोई पराठा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी राइस खाने का मन नहीं कर रहा और रोटी तो मैं अभी नाश्ते में कर ही लूंगी, तो सीधा फिर उसमें पराठा बनाऊंगी और उसके बाद फिर फटाफट से रेडी होकर कुछ रील्स शूट करूंगी, फिर इस वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूंगी। और हाँ, आप लोगों से एक बात कहना है कि जितना भी व्लॉग्स आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको प्लीज लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइज अब मैं यहाँ पर नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से। मैंने लिया है रोटी भुंजिया और ये एपिगामिया फ्रूट योगर्ट लिया है। तो गाइज पालक तो मेरे पास ढेर सारा है पर मुझे बनाना कम है, क्योंकि पनीर 200 ग्राम ही है और हाफ पालक आज बनाऊंगी और एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी जैसा कि बहुत सारे लोग घर पे बनाते हैं। चलिए तो पालक तो धुल के साफ हो गया है, अब इसमें नमक थोड़ा सा छिड़क दे रही हूँ जिस पानी में इसको बॉईल कर रही हूँ, मिक्स कर देंगे इसको। फिर बस इसको ना थोड़ी देर इसको ब्लांच होने देंगे, मतलब थोड़ा सा स्टीम होने देंगे, बहुत ज्यादा देर नहीं करना है। बस गाइज अब टेस्ट करके बता रही हूँ, मस्त, इतना टेस्टी है ना, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाले वगैरह कुछ अलग से नहीं डाला, फिर भी बहुत मस्त लग रहा है। बस किसी के साथ में एक पराठा हो जाए ना तो मजा ही आ जाएगा, दिन बन जाएगा पूरा। तो शाम को अब मैं पराठे बनाऊंगी, शाम को क्या थोड़ी देर बाद जब रील्स वगैरह बना लूंगी। ऐसे तो ये ऐसे भी बहुत 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 टेस्टी लग रहा है। तो गाइज अब मैं रेडी हो चुकी हूँ रील्स बनाने के लिए और देखती हूँ कैसा बना पाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे रील्स शूट किए हुए। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ क्योंकि मेरा खाना वाना बन चुका है और बस रील्स बनाने के बाद मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँगी और उसको अपलोड करूँगी। तो गाइज अब शाम हो चुकी है, हम लोग बस जा रहे हैं थोड़ा सा इवनिंग वॉक के लिए और देखते हैं कि अगर मंदिर में आरती वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो थोड़ा सा मंदिर में भी रुक जाएंगे। पर इसकी जिद है कि पार्क चलना है और पार्क अभी बंद है, अब पता नहीं देखते कहाँ जाना है। और यहाँ पर बच्चे इतना पटाखा छोड़ रहे हैं कि क्या बताओ, अभी दिवाली नहीं आई फिर भी सब लोग स्टार्ट है। चलो इतना डर लगता है। चलो इधर से ही चल ले राशि, की उधर से जाओगी, शॉर्टकट लेते चलो पार्क साइड से। हाँ यही तो है तुम्हारा पार्क। ओ डॉगी है,
ठीक है। और गाइस ये है हमारी सोसाइटी का मंदिर, जिस अंदर से ना जा करके हम लोग बाहर से दर्शन कर रहे हैं, मतलब रोड पे आ गए इसलिए। तो गाइस लौट के बुद्ध घर को आए, घर को आके पेठा खाया। हम लोग इसको मुरब्बा बोलते हैं, बहुत जगह पे स्पेशली आगरा में इसको पेठा बोला जाता है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बचपन से। पर अभी जब से लाए थे तब से सर्दी हो गई थी तो खा ही नहीं पा रहे थे, तो अभी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है तो खा सकते हैं। चलिए गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, एडिटिंग वगैरह में भी टाइम लगेगा। अगर ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बार बार लाइक और सब्सक्राइब का मत भूलवाओ यार, थोड़ा सा मेहनत देखो और लाइक करते हुए चले जाओ। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर एक मज़ेदार सी ब्लॉग में।